हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है धवल और मेरे डेयरी फार्म का नाम है कृष्णा डेयरी फार्म। तो अभी हमारे यहाँ सभी भैंसों का दूध निकाल लिया गया है। करीबन अभी 6:30 बज चुके हैं। सभी गाय भैंसों का दूध निकाल लिया गया है और पीछे आप देख सकते हैं, इसको हम जो कटिंग करके जो चारा है वो खिला रहे हैं। तो हमारे कई सब्सक्राइबर अब हमें कमेंट करने लगे हैं कि आपके यहाँ जो हीफर्स है वो कैसे तैयार कर रहे हैं, और सभी जो हमारे हीफर्स है उसके बारे में हमें पूछते हैं। और आज हमें स्पेशल जो हमारी मीरा बछड़ी है, अभी तो उसने एक बछड़ी को भी जन्म दे दिया, उसके बारे में पूछ रहे थे कि जो आपके यहाँ मीरा बछड़ी है स्पेशली जो 16 महीने में गाभिन हुई और उसने बच्ची को जन्म दिया, तो दिखने में कैसी है, हाइट लेंथ उसकी कैसी है, और क्या अभी वो गाभिन हो गई है, तो वो गाय हमें ज़रूर बताइए अपने वीडियो में। तो मैं आपको हमारी जो मीरा बछड़ी है वो आज मैं आपको बताता हूँ। वो उसका वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था जब शॉर्ट्स नहीं आए थे यूट्यूब पर, उससे पहले वो वीडियो 1.5 करोड़ लोगों ने तो देख लिया था। बाद में अभी वो शॉर्ट्स में वीडियो मेरा है वो चला गया है, जो वो अपनी माँ का दूध पी रही थी, 1 साल की थी तब का। तो चलो मैं आपको हमारी वो मीरा बछड़ी है, कई सब्सक्राइबर ने तो देख ली है, जो नए सब्सक्राइबर है उसने नहीं देखी, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे यहाँ 1.5 साल में गाभिन हो गई और अच्छी बछड़ी को जन्म दे दिया, और अभी भी वो दूसरे फिर से वो गाभिन हो गई है। तो देखिए हमारी मीरा बछड़ी, जो हमारे सब्सक्राइबर है तुषार बागुन, नासिक से है, महाराष्ट्र से है, उसने हमें स्पेशली बोला था कि आपकी जो मीरा बछड़ी है वो हमें ज़रूर बताइए, जो 16 महीने में आपके यहाँ गाभिन हो गई और इसने बेहतरीन बछड़ी को हमारे यहाँ जन्म दे दिया, और अभी ये 2.5 महीने की गाभिन है। और तो अभी ये जो मीरा है हमारी वो 4 दांत की हुई है, एकदम शांत स्वभाव की है, आप इसको कहीं भी छू लो ये कुछ नहीं बोलती। तो आप इसका गल कंबल देख सकते हैं, ये ज़्यादा दूध किसी भी आप बछड़ी को पिलाते हो तो उसका गल कंबल बढ़ जाता है। तो ये देखिए इसके सिंग की बनावट, इसका सिर आप अच्छी तरह से देख सकते हो, एकदम खूबसूरत है। तो ये है हमारी मीरा बछड़ी, जिसका वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था, जब 1 साल की थी तब भी इसका माँ का दूध पी रही थी, और 6 महीने के अंदर वो गाभिन भी हो गई। अभी आपको दिखेगा नहीं, मगर मैं आपको अगर बछड़ी इसकी मैं दिखा सकूं तो बताऊंगा। अभी तो पीछे है इसमें, आप ये देखिए खूबसूरत बछड़ी है, ये हमारे मीरा की बछड़ी है, आप ये देख सकते हैं कितनी बड़ी हो गई है, और 2.5 महीने की फिर से प्रेग्नेंट भी हो गई है हमारी मीरा। तो आज मैंने स्पेशल वीडियो हमारी मीरा गाय या बछड़ी आप हमारी मीरा गाय पर हमने बनाया है। ये जो इसका कलर है एकदम जामली कलर बोलते हैं, जो गिर गाय में लाल गाय होती है इसमें बेहतरीन कलर इसको माना जाता है। और इसके सिर की बनावट, इसके सिंग बहुत ही खूबसूरत है और एकदम शांत स्वभाव की है। और ये आप हमारी गाय देख सकते हैं, जो लंपी ग्रस्त हो गई थी, मगर अब ये एकदम ठीक हो गई है, इसके जो चिन्ह थे वो भी अब मिटने लगे हैं, मगर इसके जो पैरों में सूजन आ गई थी, तो सूजन के कारण कई जगह पर आप देखिए यहाँ हमने इसको पट्टी लगा दी है, क्योंकि जो घाव है बहुत ही बड़ा घाव था, 2 से 3 सेंटीमीटर का,
तो उस पर मक्खियाँ ना बैठे, इसलिए हमने वहाँ ये लगा दिया है और अभी भी इसके पेयर की ट्रीटमेंट चालू है। ये हमने इसलिए बांधा हुआ है, इस तरफ से हमने ये जुगाड़ किया है, आप देख सकते हैं बांधा, क्योंकि उस तरफ उसका जो पेयर है वो चाटती रहती है, तो वो उस तरफ आ ना सके उसका मुंह इस तरफ से इस पेयर की बाजू में, तो हमने ये यहाँ पे ये जुगाड़ करके इस तरफ से हमने इसको लगा दिया है ताकि उस तरफ वो उसका पेयर चाटे नहीं, क्योंकि हम दवाई लगाते थे तो लगाने के तुरंत ही ये चाट जाती थी और उसके जो पैरों में पट्टी लगाई थी वो भी ये निकाल देती थी, तो इसलिए हमने ये लगाया है स्पेशली थोड़े दिनों के लिए। तो देख सकते हैं ये हमारी हिफर्स बहुत ही शानदार कह सकते हैं इसको, हेल्थ देख सकते हैं बहुत ही तंदुरुस्त है। अब ये गाभिन हो जाए तो अच्छी बात है, ये सभी हमारी जो हिफर से एकदम तंदुरुस्त हो गई है, इसमें सबसे बेहतरीन इसको ये है, ये चार हिफर्स में से। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जय श्री कृष्ण जय द्वारिकाधीश, क्योंकि अभी दूध लेके मेरे को राजकोट जाना है और अभी 6:30 बज चुके हैं, तो अब मेरे को जाना पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में।